मॉर्निंग बच्चों, क्लास सेवन एनसीईआरटी मैथ्स में मैंने कल आपको कुछ परिभाषाएं पढ़ाई थी जिसमें मैंने परिमेय संख्याओं तक समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं और उन्हें कभी भी पूर्ण वर्गमूल में नहीं निकलता, यानी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। तो अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? अगर हम कहें कि परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, अगर हम केवल परिमेय संख्याओं की बात करें तो वर्गमूल में अगर हम एक ऐसी संख्या लिखते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते आप, वर्गमूल कौन सा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैंने अगर 9 लिख दूँ तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 का, 5 का, 6 का पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं आएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं होता उनको तो हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और बाकी सभी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। यानी ऊपर हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सब आपकी परिमेय संख्या थी, और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि वर्गमूल में लिखी होती है या घनमूल में लिखी होती है और उनका जो आंसर आता है वो एक पूर्णांक नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, जबकि परिमेय अपरिमेय संख्या, अभी आपने समझी, अपरिमेय संख्याओं का मतलब होता है वर्गमूल में ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, अब इसके अलावा कौन सी संख्या बची, इसके अलावा पूर्ण संख्या बची, तो पूर्ण संख्याओं में परिमेय संख्या बची सॉरी, और परिमेय संख्याओं में तो सभी कुछ आ जाता है, यानी प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएँ, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, ठीक है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इन सभी संख्याओं को मिलाकर हम परिमेय कहते हैं। तो परिमेय अपरिमेय मिलकर क्या बन जाती हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनको हम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है अवास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं बचेंगी वो अवास्तविक होंगी, जिनको हम एक नाम और कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? अगर हमने वर्गमूल में कोई भी संख्या ऋणात्मक लिख दी है, अगर हमने कोई भी संख्या वर्गमूल में माइनस के 4 लिख दिया, तो 4 का वर्गमूल तो हम जानते हैं 2 होता है, लेकिन इस माइनस का क्या करें, इस माइनस के लिए हम क्या करते हैं, माइनस वन हम इसके लिए अलग दिखाएंगे और वर्गमूल 2 हो जाएगा 4 का। इस माइनस वन को हम काल्पनिक बोलते हैं क्योंकि वर्गमूल में माइनस का मान ज्ञात नहीं होता, इसलिए वर्गमूल में माइनस वन को हम आई फोर इमेजनरी को हम माइनस वन वर्गमूल मान लेते हैं, और इसका जब वर्ग करते हैं तो यह हो जाता है आई स्क्वायर इजिकल टू माइनस के 1। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिनका वास्तविक रूप नहीं होता उन्हें हम काल्पनिक संख्या या फिर अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिसमें वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या लिखी होती है उनको हम अपरिमेय संख्या, अवास्तविक संख्याएं कहते हैं।